फाइनली सरोजनी मार्केट जा रहे हो, ये तैयार हो चुके हैं सब, मेरी मम्मी। हाँ मम्मी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, ऐसे बोलते हैं ठीक है ना स्टार्ट। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और अभी हो गए हैं हम रेडी, मैं तो बहुत देर की उठी हूँ, सारा काम वाम कर लिया, मम्मी अपना इलाज करवा के आ गई है, टूटी फूटी पता नहीं कहाँ से क्या करवा के आई है, हर जगह पट्टी बंधवा रखी है मम्मी ने हर जगह, और इतने मैंने सारा काम कर लिया था। और अब जा रहे हैं हम सरोजनी मार्केट। मैं मतलब एक्सप्लोर करना चाह रही थी कि कैसा होगा सरोजनी मार्केट, और कुछ अच्छा लगा तो लेकर भी आऊँगी और आपको बताऊँगी। सरोजनी मार्केट जाना मतलब कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ना आप लोगों को, इसमें बताऊंगी कि मतलब अच्छी चीजें मिलती हैं या नहीं भी मिलती है, मतलब जाना वर्थ इट है या नहीं। तू मौसी जी के घर जा, तू निकल यहाँ से, चल सूर सा। जब से बोला था मैं भी चलूंगा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, अब ले कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी, चल मैं। सो अब हम निकलते हैं, मेरी मम्मी कहती क्यों हाय। तो अब हम निकलते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद वहां जाके मिलते हैं, मेट्रो ताला लगा देते हैं बाहर, पापा आराम से सोएंगे, पापा सो रहे हैं। हां चलो मम्मी, और मैं अपना बैग ले लेती हूं क्योंकि गर्मी हो रखी है। एक और आया ये तो प्यार से दिखा दूंगा। जब से ये मौसी जी की स्कूटी लेके आया है ना, तब से हमें घुमाने लग रहा है, अब कहीं भी जाएंगे तो ये हमें स्कूटी से छोड़ कर आएगा, फिर ये मौसी जी के घर पे जाएगा। आज कुछ है और हम बस में जा रहे थे और ये अंकल कुछ बेच रहे थे, तो इनका रिएक्शन देखो सिर्फ। सरोजनी ऐसा होता है, पूरा जंगल होता है, उसके बीच में लोगों ने अपना वो कर रखा है, दुकान लगा रखी है, वही बेचते हैं। और मम्मी ने बस में ऐसा काम करा जिसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन बहुत बुरा काम करा मम्मी ने। हम भैया हमें ले जा रहे हैं जहाँ पे बेस्ट जींस मिलेगी, क्योंकि मुझे बेल बॉटम जींस चाहिए। काफी सारी चीजें तो मिल गई हैं। एक तो ये वाला ले लो, ये वाला अच्छा लग रहा है, और एक और देख लो, आप देखो अपने लिए ले लो, अपने लिए ले लो, भाई शॉपिंग करते करते थक गए हैं, अब हम पी रहे हैं मैंगो शेक। सद्दाम भैया उसके बाद मम्मा ले रही है यहाँ पे जूती, जो की छोटी छोटी ले रही है, पागल हो गई है मेरी मम्मी। लड़की पी रही है मैंगो शेक, ये लड़की पी रही है मैंगो शेक, अब हमने बजा चल रही है, चालू है ये मैंगो शेक दे रहा है। हम सरोजनी नगर में आए हैं, ये बेकार लड़की पहले ले लिया, उसके बाद बोल दिया मैं खाऊंगी नहीं है। उसके बाद निकले हम घर जाने के लिए, और जब हम घर जा रहे थे तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था और बारिश आ रही थी। भाई गोपी ने हमें दिया धोखा, बोल रहा था तुम आ जाओ तो स्कूटी लेके आ जाऊंगा मैं, फिर हमें रिक्शे से आना पड़ा क्योंकि वो आएंगे।
अब मम्मी खुल के दिखाएंगे कपड़े। मैं आपको अपने कपड़े जो भी लाई हूँ या तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो इसी में ही दिखाऊंगी। तो भैया के लिए लाए थे हम लोवर और टी शर्ट। कोई नहीं, दिखाओ वो, दिखाओ। तो भैया के लिए हम लाए थे दो लोवर और दो टी शर्ट, एक टी शर्ट ये जो कि मुझे बहुत पसंद आई, भैया को भैया के ऊपर भी अच्छी लगी थी। तुझे बताते थे कैसी लगी, बता कैसे लगे तुझे कपड़े जो हम लेकर आए हैं। एक ये वाली टी शर्ट भी जिसने पहन रखी है, लोवर कैसे लगे? मैंने बोला था चार पांच जोड़ी लाने, एक जोड़ी लेके आए हैं, दो जोड़ी लाए हैं, दो जोड़ी तीन हाँ। जोड़ी लाए। अच्छा तो हम क्या अभी भाई एक जोड़ी और लाने थे ना, एक तो इतने बढ़िया कपड़े लेकर आए हैं फिर भी। अरे मैं लाया था एक बार, चुप चुप चार जोड़ी 900 रुपए के, छह जोड़ी सात जोड़ी कपड़े लाए। अरे वो कपड़ा भी तो देख, इसका कपड़ा भी तो देख, और वो लाया क्या 15,000-20,000 का, तो मेरा नुकसान हो गया। तो तेरी गलती थी ना, मेरी गलती तो है ना थी, तुम चुप रहो। और ये मेरा टॉप है, मेरे टॉप के वो मत करो ऐसी तैसी। मम्मी वाला टॉप अपने ले लेकर आई थी मम्मी, आपको पहले इसको अपना एक अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको कैसा लगा सरोजी मार्केट जाके? मेरे को खास नहीं लगा, इतने महंगे महंगे कपड़े दिखे तो देखे थे, यानी कि हाँ खास सरोजी नगर आगा अच्छा था, मतलब इतना बेकार भी नहीं था। वो बाग से बगीचे से तो मैंने ना अपने लिए काफी सारी पेंट ली है, दो पेंट तो जो थी वो मैंने शॉप से ली, और दो पेंट जो थी वो मैंने बाहर जो रोड पे रहते हैं उनसे लिए, तो देखते हैं उनमें दोनों में क्या फर्क पड़ता है। पापा का तो वो वाली अच्छी आ रही है जो अच्छी लग रही है, जो हमने रोड से ली है, जो दुकान पे से ली है पापा बोल रही है अच्छी नहीं है। मम्मी मुझे देखो क्या घूर घूर के देख रही है, तो हम दोनों को ट्राई करते हैं उसके बाद बताते हैं। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे लाई हूँ चीज़ें, मतलब कि पैंट्स और जो भी मेरे को चाहिए था, मेरे को तो काफ़ी अच्छे लगे, रीज़नेबल प्राइस था, मतलब मेरे अगर हिसाब से देखो तो चले जाओ एक बार, जाने में कोई वो नहीं है, बेकार कोई चीज़ नहीं मिलती। हाँ मतलब डुप्लीकेट्स तो ऑफकोर्स मिलेंगी, बट आप बाहर लेने से बजाय थोड़ा अंदर मार्केट में जाओगे ना तो अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मुझे तो काफ़ी पसंद आया जो मैंने लिए चीज़ें, और टॉप्स या जींस पैंट जो भी हैं उसके लिए मैं मतलब अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं चेंज करूं और उस पर आपको एक वीडियो दूँ, सो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगी मैं, अगर हो सका तो कल बना के उसके बाद डालूंगी। जो मैंने पेंट्स ली है रियल में मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी हैं, दो तीन ली हैं मैंने, मतलब चार ली थी उसमें से एक मेरा साइज़ नहीं आ रहा है, सो जो भी मैंने पेंट्स लिए हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जो भी मतलब मैंने ड्रेसेस लिए हैं, टॉप लिए हैं, जो भी हैं वो मुझे तो काफ़ी पर्सनली काफ़ी पसंद आए, मुझे तो अच्छे लगे, मेरे साइज़ के भी थे और मेरे को फिट भी आ रहे थे। और मैंने एक शॉर्ट्स भी लिए हैं कुछ, मतलब मैंने ऐसी काफ़ी सही चीज़ें ली हैं, कुछ मेकअप का सामान लिया है जो कि अच्छा था वहाँ पे, मतलब 50% ऑफ चल रहा था इसी शॉप पे, तो वो भी अच्छा मुझे मिल गया, इतने कम प्राइस में मतलब मिलता नहीं है, ओरिजिनल थे दुकान से लिए थे तो अच्छे थे, और काफ़ी सही चीज़ें थी, छोटी मोटी चीज़ें भी काफ़ी सारी हैं। अगर आप वहाँ जाओ ज़रूर विज़िट करो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कोई वैसी शॉप नहीं है, मतलब कोई वैसी मार्केट नहीं है, डुप्लीकेट चीज़ें भी मिलती हैं बहुत रिजनेबल, बहुत सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं, बट हाँ अगर अंदर जाके तुम अच्छे से देखोगे मार्केट। ऊपर से हमारे जो मतलब जिसकी वजह से हम गए थे वो थे संदाम भैया, उन्होंने हमें काफ़ी सारी शॉप दिखाई जो उनकी मतलब जानकार थी और जहाँ पे अच्छा माल मिलता था, सो हमने वहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, तो हमें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया है तो इस वजह से। और अगर आपको जाना है और अगर उन भैया से कॉन्टेक्ट करना है तो भी मुझे बता देना, मैं उनका नंबर दे दूँगी, वो आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह पर ले जाएंगे जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं और रिजनेबल प्राइस में मिलती हैं, तो बता देना वो भी तुम्हें ले जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इन जो भी कपड़े मैंने ट्राई कर लिए हैं कुछ, तो अब उनकी तय बना के रख देती हूँ, और जो भी है मम्मी ने कुछ इतना खास लिया नहीं, मम्मी को मतलब कि ऐसा लगा कि वही प्राइस यहाँ पर है और वही प्राइस वहाँ पर है, तो बोले मैं फिर क्यों लूँ, और मुझे सही लगे प्राइस थोड़े अच्छे थे, क्योंकि मैंने जो यहाँ ट्राई करी थी मुझे यहाँ पर जो पेंट मिलती है वो 550-600 ऐसी मिलती है, वहाँ पे मुझे पेंट 400 में मिल गई, इसलिए मुझे ठीक लगा कि हाँ चलो कुछ तो प्राइस कम है, और काफ़ी अच्छी भी पेंट थी जो कि मुझे अच्छी भी लगी। सो अब देखते हैं, मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, ऊपर से
हम मतलब इतना मस्त तो मौसम हो गया था ना, इतना मस्त मौसम, बारिश होने लगी और मैं मेट्रो में थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। बारिश का मौसम इतना अच्छा हो रहा था, उसके बाद हम जब उतरे मेट्रो से तो अब बारिश ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हमने कुछ फिर थोड़ा सामान लिया और फिर आ गए घर पे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि चाय बना लेती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि फिर खाना भी बनाना है, सो बहुत सारा काम होता है। और तो मम्मी अपने खटोले पर सोती है, ये है मम्मी का खटोला जिस पर मेरी माता सोती है, इस पर वो बिछा देंगी कंबल सा। और गोपी क्या आया तेरे लिए मार्केट से, इधर मुंह तो दिखा, मेरे व्लॉग से सब फेमस हो रहा है, कोई मुंह नहीं दिखाने को राजी। और क्या आया आपके लिए? कुछ नहीं। कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं आया आपके लिए? एक नेकल लाई मम्मी, वो भी मैंने पहन रखा है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। इसके लिए कुछ भी लाओ ना भाई, इसके लिए कुछ भी लाओ ना, फिट नहीं आते या तो इसको अच्छा नहीं लगता, तो हम इसके लिए कुछ लाते ही नहीं है। अगली बार जब हम जाएंगे तो उसको लेकर जाएंगे, अपनी पसंद से जो लाएगा लाएगा, क्योंकि मैं और मम्मी कुछ अपनी पसंद मतलब अपनी पसंद से इसके लिए लाते हैं ना, कुछ नहीं इसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से हमने सोचा हम इसके लिए कुछ भी नहीं लेके आएंगे। कुछ तो लाते, बैगी पैंट बोले थी, बैगी पैंट भी नहीं, बैगी पैंट हमें नहीं पता बैगी पैंट कैसी होती है, एक तो ही बैगी पैंट हमें नहीं पता भाई, हम अनपढ़ आदमी, ये बोल खुली पैंट चाहिए, नहीं पसंद आवे और पसंद की बात है। ओवर साइज टी शर्ट मतलब की क्या, खुली, बहुत ज्यादा खुली, चलता ऐसे ही मतलब खुली टी शर्ट, कोई नहीं अगली बार जब हम जाएंगे ना तो और लेकर आएंगे। मेरे को पैसे दे दियो गोपी तू कुछ लाने के लिए। क्या कर रहा था दोबारा करके दिखाइए ये व्लॉग वो भी देखती है, कौन देखती होगी, कोई लड़कियां देखते हैं यार, लड़कियां देखते हैं यार, मैं नंगे ही रहता हूँ, नहीं दिलवाते घर वाले पागल है ना ये, लड़कियां कहती है मैं पागल हूँ, लड़कियां इसकी बेइज्जती करती है, अभी बताओ तुझे देखे तो ना ये इंस्टाग्राम पे जो बेइज्जती वाले तेरे रील्स डाल रखी है, लड़कियों को लगता है मैं पतला हूँ, पतला ही है ये, कपड़ों में लगता हूँ ये पतला, ये हड्डी हड्डी दो हड्डी नहीं इसके अंदर, कपड़े उतारने वाले बॉडी नहीं, मस्त मौसम रखा वैसे तो। अरे हाँ ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं, हर जगह मम्मी के टेप ही टेप लगी हुई है, मम्मी पूरी टेपों से घिरी हुई है, है ना, हर जगह ये हाथों पे भी, कुत्ता का इनका सूर सा हट, अबे बस लोग बुला रहे हैं मेरे, गालियां देती मम्मी मेरे को, यही गालियां आती है कुत्ता कमीना, यहाँ भी लग रही है, हाँ मम्मी के यहाँ पे भी लग रही है, मतलब मम्मी को काट पीट के है ना पट्टी लगा रखी है और कुछ मेरे को नंगा। सो गाइस यही था पूरा व्लॉग, जो भी हमने सरोजिनी नगर से मतलब खरीदा सामान अच्छा था, और उसका जो रिव्यू है उसके जो क्लोथ्स हैं वो आई होप नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जब मैं थोड़ा फ्री होंगी, क्योंकि उनको वेयर करके भी दिखाना होता है इस वजह से, और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। सो आगे जो भी वीडियो आएगी मेरे या जो भी व्लॉग आएगा उसमें आई होप मैं उसके सारे रिव्यू दिखाऊँ, क्योंकि मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ, सो उसका रिव्यू मैं तब दिखाऊँगी। बाकी यही था पूरा व्लॉग, और सरोजिनी नगर ज़रूर जाना, और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।